प्रमुख पाली इंजीनियर शशि प्रताप सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आईटीएम गीडा गोरखपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सभासद नगर पंचायत सहजनवा मनोज जायसवाल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। विक्रम बस सर्विस सहजनवा गोरखपुर रामबदन यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सभा भड़सार प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र निषाद की तरफ से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर ग्राम वासियों को हार्दिक बधाई। सभा ग्राम पंचायत बनगावा ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार कनौजिया के तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवक्ता गणित दिलीप कुमार सिंह सैतवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। पंचायत बड़गहन ग्राम प्रधान श्रीमती बरसाती देवी के तरफ से आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई। प्रमुख दिलीप कुमार यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। बासगांव पुलिस ने जमीन बेचने के संबंध में फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा दर्ज किया। बासगांव तहसील में जमीन को लेकर विवाद के मामले में बासगांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गया है। बताते चले कि जमीन के अभिलेखों के साथ हेराफेरी का मामला है। बासगांव थाने में 420 467 468 474 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामला भैसई बुजुर्ग थाना तहसील बासगांव थाना बासगांव का, उन्होंने आपत्ति दाखिल किया, लेकिन इंद्रावती देवी ने बहुत ही चालाकी से पहली वसीयत के आधार पर जो वसीयत पत्र दूसरी वसीयत पत्र के आधार पर कैंसिल कर दिया गया था कुमारी देवी द्वारा, उसको खारिज दाखिल के तहत दरखास्त देकर एक पक्षी आदेश करा दिया। जब पता चला पक्षकार को तो कामी किसान यूनियन के प्रभारी ने बताया कि आम जनता की नहीं हो रही सुनवाई। बासगांव तहसील मुख्यालय पर किसान यूनियन के प्रभारी ने बताया कि आम जनता को छोटे कामों के लिए भी तहसील का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए सहित अन्य समस्याएं जो है, जिसके चलते वो लोग परेशान होकर तहसील का चक्कर लगा रहा है। आम लोगों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम किसान यूनियन के मतलब प्रभारी हैं। मतलब हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। किस तरह का काम नहीं हो रहा है? इसे भाई पीछे जुड़वा जैसे हमारे पीछे रुक गई है, पेंशन वाला वृद्धा पेंशन पहले मिलता था, अब इस समय नहीं आया पेंशन वृद्धा पेंशन। राशन कार्ड वो ठेट में नाम करवाने के लिए दर दर भटक रही है महिला। बासगांव तहसील का यह नज़ारा है जहां पे राशन कार्ड वो खेत में नाम करवाने के लिए महिला दर दर भटक रही है। बताते चले कि महिला द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए वो खेत में नाम करवाने के लिए चारों तरफ दौरा जा रहा, परंतु जानकारी और सूचनाओं के अभाव के चलते उसका नाम नहीं पड़ जा रहा है। दूसरी तरफ शासन आदेश है कि 13 दिन बाद मृत्यु के 13 दिन बाद लेखपाल घर पे जाते हुए राशन तराते देंगे, परंतु हालत कुछ लवंडी लफाड़ी खाली बैठ के काम करत हो। कहाँ नाम है? कहाँ से आये बेटी? क्या मामला है आपके? राशन कार्ड नाम चढ़ाए पर नहीं, राशन कार्ड यहाँ का तो राशन कार्ड दिन भरती बड़ी विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ जोरदार धमाका। बासगांव तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 9 में विद्युत विभाग के जर्जर तार एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके चलते जोरदार धमाका होने लगा। तेज आवाज से चलने के नाते लगभग 2 मिनट तक आवागमन भी ठप हो गया। लगातार स्पार्किंग और धुएं से आसपास के लोग भयभीत हो गए। लोग डोर के घरों का विद्युत का पट्टा सहित अन्य उपकरण भी जल गए। इस संबंध में जब बात किया गया जेई से, उन्होंने बताया कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार करा दी जाएगी, परंतु इस तरह की घटना प्रायः देखने को मिल रही है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पब्लिक वाइज। हैंडपंप के खराब होने से हो रही असुविधा। बासगांव नगर पंचायत में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर के बीच
4 हैंडपंप लगाए गए हैं जो 3 खराब चल रहे हैं, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको पेयजल से लेके स्नान करने में भारी असुविधा का सामना। कौन कौन नल खराब है यहाँ? यहाँ 4 नल है। हाँ। तो 1 नल खाली सही है और बाकी सब खराब है। तब तो दिक्कत हो रही है लोगों को श्रद्धालु। हाँ, जब त्योहार पड़ता है तब उसी में खराब होता है, दिक्कत हो जाता है, खराब हो जाता है। मनंजय सिंह, क्या समस्या है? समस्या यह है कि बड़े हनुमान मंदिर पे 4 हैंडपंप है जिसमें 3 खराब चल रहा है। 1 हैंडपंप है और वो भी खराब हो जाएगा तो यहाँ पे पुजारी के नहाने धोने की व्यवस्था जो है वो भी चौपट हो जाएगी। इसकी शिकायत कहीं की है आप? अभी शिकायत नहीं की है, ऑफिस कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से कहना। सहायतों के भरोसे चल रहा है सप्लाई विभाग। बांस गाँव तहसील मुख्यालय पर स्थित सप्लाई विभाग में अधिकारी बेहतरा मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वो अपने टाइम टेबल से ही आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे में वहाँ पे उपस्थित लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर सहायक बैठे काम का निपटारा कर रहे थे। आइए जानते हैं कि क्या और कैसे चल रहा है यहाँ का काम। आपके क्या नाम है? देखते हैं कि राशन कार्ड। बोला जसवाल। बोला जसवाल, कौन से पद पे हैं? कौन से पद पे हैं? अरे पूछ रहे हैं, सरकारी कार्यालय में बैठे हैं, फॉर्म जमा कर रहे हैं, पद पूछ रहे हैं। कौन सा पद? सहायक है। साहब के गवर्नमेंट कर्मचारी है क्योंकि बाजवा तहसील में NCC के छात्रों ने निकाली रैली। आज 16 अगस्त को NCC के छात्रों ने बाजवा तहसील परिसर से निकाली रैली, जहां वो पूरी अपने वर्दी में तिरंगा झंडा लिए हुए भारत माता की जय बोलते हुए यह रैली निकाली गई। विभिन्न कहां से कहां रैली निकलेगी? ये जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज से तहसील तक। ये किस चीज की रैली निकल रही है? ये 75वें अमृत महोत्सव मनाने के लिए आजादी का, उसके उद्देश्य से जागरूकता रैली है। तो ये उसी क्रम में चल रहा है। पहले दिन 15 अगस्त को विद्यालय स्तर से, उससे पहले प्रत्येक घर पर 2000 का कार्यक्रम था, उसी स्तर पे आज 16 अगस्त को NCC कैडेट के लिए चुना गया कि ये अपने विद्यालय से जो तहसील स्तर है वहाँ तक अपनी